ओम श्री गणेशाय नमः। माय डियर फ्रेंड्स, तो आइए आज हम एक रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। फ्रेंड्स, इसमें देखेंगे कि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं, क्या इंटेंशंस हैं, क्या सोच रहे हैं फिलहाल, उनके क्या प्लान्स हैं फॉर अपकमिंग 1 वीक। तो हम उनकी रीडिंग करेंगे एंड फाइनली हम आपके लिए गाइडेंस निकालेंगे। फ्रेंड्स, तो ज़्यादा लंबी रीडिंग नहीं करेंगे, एक छोटी रीडिंग करेंगे ताकि आप भी देखकर चीज़ों को समझ पाएं और एक चीज़ों का आपको एक अच्छे से पता चले। तो जल्दी से रीडिंग को फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं इसी पॉजिटिव नोट पे। ओके, सो फ्रेंड्स देखते हैं एरीज राशि आपके लिए क्या है, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। आप किसी भी सिचुएशन में हो सकते हैं फ्रेंड्स, नो कांटेक्ट में या ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स हैं। ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स आया है, 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कॉइन्स, फ्रेंड्स जहां तक मुझे दिख रहा है कि जो भी ये पार्टनर हैं आपके, इनके साथ कुछ मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोगों ने या तो चीटिंग की है या कुछ इनके साथ बैक स्टेबिंग हुई है, जो मुझे दिख रहा है। बहुत ज़्यादा घबराए हुए, बहुत ज़्यादा परेशान और बहुत ज़्यादा इस टाइम ये अलग ही डिफरेंट ही जोन में मुझे दिख रहे हैं। अब ये किसकी एनर्जी पिक हुई है ये आपको देखना है, ये किसके पार्टनर के साथ कुछ ऐसा हुआ है या कोई फ्रॉड हुआ है या कुछ फाइनेंशियल लॉस हुआ है, कुछ मनी वाइज कुछ दिक्कतें आई हैं, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है। हालांकि जो बाकी के 3 कार्ड्स दिख रहे हैं उसमें मुझे यही दिख रहा है कि ये पास्ट की मेमोरीज को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अभी जैसे होता है ना, नॉस्टैल्जिया हो जाता है हमें, हम पुरानी बातों को बार 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 याद करते हैं। और इन दोनों कार्ड्स को देख के जहाँ तक मुझे ये दिख रहा है कि डिस्पाइट ऑफ कि जो भी कुछ हुआ रिलेशनशिप में, ये अपने आपके साथ टीम वर्क करना चाहते हैं और एक सेलिब्रेशन चाहते हैं, उसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं और कुछ ऐसा आगे का प्लान कर रहे हैं ये, मतलब एक डिसीजन लेना चाहते हैं जो मुझे दिख रहा है इनके कार्ड से। और डेफिनेटली, और ये जो 7 ऑफ पेंटिकल्स है उससे तो ये जो भी ये फ्रॉड हुआ है, हो सकता है ये आप दोनों के बीच में या तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने उनको मैनिपुलेट करा है, किसी तरीके की इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट की है, ये मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो ये उनकी करंट फीलिंग्स हैं। इंटेंशन वाइज अगर मैं देखूँ, देखो इंटेंशन वाइज भी मुझे दिख रहा है कि सोचते तो यही है कि आगे कुछ अच्छा करना है, आगे कुछ ब्यूटीफुली ही लाइफ को लेके जाना है, लेकिन कुछ कर नहीं रहे, मतलब हर चीज़ में उन्होंने अपने आप को एक जगह पे स्टैग्नेट कर लिया है, कुछ सुनते ही नहीं हैं, दिल के दरवाज़ों को बंद कर दिया है, या फिर ये जो धोखा इनके साथ हुआ है, या तो हो सकता है कि देखिए आपके आने से पहले इनके साथ एक चीटिंग वाला एक लाइफ में जैसे कुछ ऐसा हुआ हो रिलेशनशिप जो बहुत ही पेनफुल था इनके लिए, तो ये भी मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है। और अब ये नहीं चाहते, अब ये शायद थोड़ा सा डरते हैं, आप इनके लिए सही पर्सन हैं तो भी, या फिर ये है कि आप दोनों सही चल रहे हैं, कोई और थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में आने की कोशिश कर रहा है और ये चीज़ इनको बिल्कुल पसंद नहीं है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इनके साथ चीटिंग कर रहे हैं। तो देखिए, जिसकी ये बहुत सारी सिचुएशंस नज़र आती हैं क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, हमें नहीं पता ये हम किसकी, क्योंकि जब हमारे पास कोई क्लाइंट आता है तो वो अपनी थोड़ी सिचुएशन बताता है कि मेरे साथ लाइफ में ये हो रहा है। अब आप लोग जो देखते हो वो सब डिफरेंट डिफरेंट लोग देखते हो, सबकी ज़िंदगी में अलग जीवन में कहानियाँ चल रही हैं फ्रेंड्स, तो इसलिए कहना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए उसी हिसाब से ही करंट फीलिंग्स पे रीडिंग बनाई जाती है कि जो आपसे रेजोनेट हो। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ भी इम्पोज मत करना अपने ऊपर, जो आपके साथ रेजोनेट हो वो लेते हैं। ठीक है, मैं आपके लिए डिवाइन गाइडेंस निकालती हूँ फॉर एरीज राशि। एरीज के लिए डिवाइन गाइडेंस दे, देखो लॉर्ड गणेशा, इससे ज़्यादा प्यारा कार्ड नहीं आ सकता। क्या कह रहे हैं, इनफाइनाइट अबंडेंट, ऑब्स्टेकल्स आर बीइंग रिमूव, तो आपको आने वाले टाइम में अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, अच्छी अच्छी चीज़ें रास्ते में आपके अब आएंगी, पीछे जो
इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें आपने झेली हैं, जो प्रॉब्लम्स झेली हैं, या कुछ ऐसा है, हो सकता है अब आपको एक नई शुरुआत करने में, एक पुरानी चीज़ों को, जैसे कहते हैं ना, पतझड़ के बाद वक्त आता है अच्छा, सो दैट इज़ लॉर्ड गणेशा इज़ डूइंग फॉर यू। तो उनकी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर हैं, तो आप उन ब्लेसिंग्स को समझें। और एक और ब्यूटीफुल कार्ड आया जिसमें लिखा है प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन। तो एक तो आप भगवान से कनेक्ट करें उनके साथ, ठीक है, प्रेयर्स के थ्रू, और दूसरा है कि थोड़ी सी चैरिटी करें, ठीक है, लोगों को देना भी सीखें। आपको जैसे डिवाइन आपको दे रहे हैं, आप लोगों को दें, तो इससे क्या होगा, जो ये जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं लाइफ में, इसमें थोड़ा सा आपको सुकून आएगा, ठीक है। सो हो फ्रेंड्स, हमने ज़्यादा लंबी रीडिंग ना की हो और इसे हम यहीं कंप्लीट करते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।